आज मैं इंदौर आया हूँ। दिन भर के कार्यक्रम का उद्देश्य इंदौर के हमारे मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए सभी अस्पताल, हमारा मेडिकल कॉलेज, इसकी व्यवस्थाओं की समीक्षा, हमारी मेडिकल कॉलेज की जनरल बॉडी की मीटिंग भी है, और उसके साथ साथ आज मैंने इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग रखी है। हमने मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन विभाग के माध्यम से एक नए कंसेप्ट को प्रस्तावित किया है, ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इस कोरोना की महामारी के बाद हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चिकित्सा क्षेत्र में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में कोरोना की लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा है, और इसीलिए अब हमने आगे के समय के लिए ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि जहां एक और हम उत्कृष्ट चिकित्सकों का निर्माण करेंगे हमारे मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, तो उस मेडिकल कॉलेज की सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें भी एक तरफ हमारे छात्रों को उचित पर्याप्त ट्रेनिंग मिल सके, और उसके साथ साथ लोगों को टर्शरी केयर का, लोगों को स्वास्थ्य का लाभ भी मिल सके, उनका अच्छा इलाज हो सके, इसको लेकर हमने पूरी योजनाओं को आगे किया है। ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, उसमें जहां जैसा मैंने बोला कि हमारे इस बात को सुनिश्चित करना कि हमारे मेडिकल कॉलेज में हम सभी तरह की पढ़ाई को उत्कृष्ट ढंग से छात्रों तक पहुंचा सकें। विगत दिनों मैंने घोषणा की थी कि उसमें एक बड़ा एस्पेक्ट है कि हम, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है, तो हम मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश में हम शुरू कर सकें, इसका हमने काम शुरू किया है। उसको लेकर आज मैंने जिन एक कमेटी हमने कल बनाई है, उसमें इंदौर के जो विशिष्ट सदस्य उसमें हैं, उनके साथ आज मैंने मीटिंग की है। विधिवत मीटिंग मैं अगले हफ्ते भोपाल में करने वाला हूँ। देश का ये पहला राज्य होगा जिसमें हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेंगे। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में फर्स्ट ईयर में इसी सेशन से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका हमने काम शुरू किया। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ नए कोर्सेज जो NMC हमें प्रिस्क्राइब करता है, नए कोर्सेज जिनको हमने सभी में शुरू किया, चाहे इन्फेक्शियस डिजीज का मामला हो, चाहे इमरजेंसी मेडिसिन का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नए कोर्सेज की बात हो, वो हम सब शुरू कर रहे हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं चुप दुरुस्त कर रहे हैं। कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। हमने बीमा योजना हम लेके आए, देश के हम पहले राज्य हैं, हम स्टूडेंट की बीमा योजना लेके आए, अब हम हमारे सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों की बीमा योजना भी लेके आ रहे हैं। हमारे सभी अस्पतालों का युक्तिकरण हो सके, इसका हम काम कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम पूरे सिस्टम को पूरे सिंक्रोनाइज करते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि हम अच्छे डॉक्टर्स का, उत्कृष्ट डॉक्टर्स का निर्माण करें, और अच्छे से अच्छा हम अपने हॉस्पिटल में इलाज उपलब्ध करा दें। देखिए, हम व्यवहारिक पक्ष को जरूर लाएं। इस हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू करने में हमारा किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी खड़ा करने का मंतव्य नहीं है। हमारा मंतव्य है कि वो छात्र जो हिंदी मीडियम से हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, वो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को समझ सके। दुनिया की स्टडी, WHO ने एक स्टडी की है, यदि हम डॉक्टर्स की सर्विसेज की बात करें तो जो सबसे प्रमुख देश है उनकी यदि वरीयता की बात करें तो नंबर 1 आता है फ्रांस, नंबर 2 आता है जर्मनी, नंबर 3 आता है जापान, नंबर 4 आता है चाइना, और ये चारों देश अपनी मातृभाषा में ही वहाँ की मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आमतौर पर ये
सभी तरह की स्टडी कहती है कि हमारी जो मातृभाषा है उसको समझना, उसको मन में उतारना, उसके माध्यम से अपने आप को उस पढ़ाई में ज्यादा झोंकना, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा व्यवहारिक है। तो हम कोई अंग्रेजी और हिंदी के झगड़े में नहीं पढ़ना चाहते, हम एक वैकल्पिक व्यवस्था देंगे कि इंग्लिश की तो किताबें रहेंगी और उसके साथ साथ हिंदी में भी वो समझ सके वो रहेगी, कोई कैरिकुलम, कोई मॉड्यूल, कोई पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल हिंदी में वो किताब रहेगी और लेक्चर जो रहेंगे उसमें भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि वो लेक्चर भी हिंदी में भी हो, इंग्लिश में जो होंगे वो तो होंगे।